Hello to all my dear students. Let us today begin with chapter number 4, multiplication. In this lecture, I am going to cover your syllabus. So, I welcome all the students of class 3rd. Let's now begin to learn the basic things about multiplication. Okay? So my lecture will be in English. I will not be speaking complete English. I will also be speaking in Hindi so that you can have a better understanding. Okay, so let's begin. I hope you all have purchased your books, because see, when you have your book, you have your security. Otherwise, we are explaining in the videos and you will not be able to do a self-study or revision of that. So, I hope you all have purchased your books. If not, please do purchase your books. Okay? So, I always begin by the learning objectives which are mentioned here. In any chapter, we have to cover what the chapter is going to teach us. So learning objectives means what are we going to learn in the whole chapter. Okay, so let's see what is the learning objectives. After studying this chapter, what is written? It is very clearly written, after studying this chapter, you will be able to, okay, what you will be able to? Multiply 3-digit number by 1 and 2-digit number. Multiply 3-digit number by 1 and 2-digit number. 3-digit ka koi bhi number, वो मल्टीप्लाइड होगा आपके एक डिजिट से या दो डिजिट से. ओके, अंडरस्टूड? दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे बारी बारी से. सेकंड है अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन नहीं है. तो how we are going to see the properties first. First we will see the properties, then we will solve it. Okay? And the third one is solve everyday and word problems on multiplication. So multiplication hai kis liye? How it is, useful in our life? We will see that. And how word problems mein kya hai? हम वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या सीखते हैं? वी लर्न सो मैनी लाइफ हैपनिंग. लाइफ में हमारे जो हैपन होता है, वी लर्न अकॉर्डिंग टू दैट. एंड लेट्स नाउ बिगिन टू लर्न द प्रोस्पेक्टिव्स. ओके, अबाउट द मल्टीप्लिकेशन. सो first of all, the statement which I am saying to you is multiplication is a repeated addition. Okay, here it is written, repeated addition is called multiplication. Repeated addition से क्या हम समझते हैं? Addition repeat हो रहा है, वही क्या है? एक multiplication है. Multiplication कुछ दूसरी चीज़ नहीं है, है ना? हमको multiplication को addition से ही समझना है. That is why I have taken this. Multiplication में हम सबसे पहले क्या समझते हैं? सबसे पहले we have to learn tables. आप UKG से table learn करते आ रहे, क्यों learn करते आ रहे? Reason क्या है? क्यों आपको table learn कराया जा रहा है? Reason ये है, the reason is
दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे काउंटिंग ऑफ थिंग्स, है ना, पैसे गिनने के लिए, कुछ चीज़ें गिनने के लिए, काउंटिंग प्रोसेस के लिए हमारे डे टू डे लाइफ में जो बहुत ही नेसेसरी हैं, उसी के पर्पस से हम टेबल्स को याद करते हैं। टेबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर टेबल्स, और टेबल्स कैसे ओरिजिनेट हुए, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने देख लिया रिपीटेड एडिशन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, आइए हम देखते हैं। ओके, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन ओवर दिस। यू कैन सी हियर बुक्स, यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं। ओके, फोर बुक्स एक तरफ है, फिर फोर बुक्स हैं, फिर फोर बुक्स हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फोर प्लस फोर प्लस फोर। ओके, तो फोर प्लस फोर प्लस फोर यू हैव टेकन थ्री टाइम्स। ठीक है, तो हमें फोर, अब हमें ऐड करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं यहाँ पे। तो हम प्लस भी कर सकते हैं, बट हम टेबल हमने क्रिएट किया। ओके, वी हैव क्रिएटेड द टेबल ऑफ थ्री एंड फोर एंड वी हैव लर्नड इट सो दैट आर कैलकुलेशंस विल बी वेरी क्विक। हमारे यही एडिशन का प्रोसेस बहुत ही क्विकली होना चाहिए, इसीलिए हमने टेबल्स को क्रिएट किया है। ओके, वी हैव नॉट क्रिएटेड, इट वॉज क्रिएटेड बाय सम ओके मैथमेटिकल साइंटिस्ट। ओके, कि हम कैसे कैलकुलेशंस ईजी कर सकते हैं। सो नाउ यू गेट इट कि हम कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। सो हियर टोटल नंबर ऑफ बुक्स के लिए फोर प्लस फोर प्लस फोर, ये हम फिंगर्स पे भी काउंट करते रह जाएंगे, टाइम लग जाएगा, बट अगर हमको याद है कि फोर फोर के अलग अलग इक्वल इक्वल कोई कुछ चीज़ रखी हुई हैं, कोई मटेरियल रखे हुए हैं, और वो तीन टाइम्स हैं, तीन बार हैं। ओके, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व। आइए इसमें देखते हैं। यू कैन सी हियर मैंगोज़ आर देयर, सो सिक्स मैंगोज, देन अगेन सिक्स मैंगोज, देन अगेन सिक्स मैंगोज, तीन बार अलग अलग ग्रुप में रखे हुए हैं मैंगोज। तो सिक्स सिक्स का ग्रुप बनाया है तीन बार, थ्री टाइम्स, तो इसीलिए हम उसको सिक्स इंटू थ्री कर रहे हैं। सिक्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री, हमें थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्स या सिक्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री, बोथ आर सेम। ओके, यू ऑल नो कि हमें अगर टेबल पढ़ने हैं तो थ्री सिक्सा भी एटीन होता है और सिक्स थ्रीजा भी एटीन होता है। सो हेयर वॉट यू आर डूइंग, यू आर मल्टीप्लाइंग इन ऑर्डर टू ऐड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। हम मैंगोज के नंबर्स को टोटल ऐड करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रिपीटेड एडिशन। तो थ्री सिक्सा इक्वल्स टू एटीन। देन अनदर वन विल सी, देर आर बैडमिंटन्स रैकेट्स। तो टू टू का पेयर बना हुआ है, टू 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 टू, फाइव टाइम्स आर देयर, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। सो वी विल टेक दिस टू इंटू फाइव, क्योंकि टू का पेयर बना है फाइव टाइम्स। सो वी विल राइट दिस टू फाइव ज़ा टेन या फाइव टू ज़ा टेन। ओके, सो दिस इज़ ओनली द रिपीटेड एडिशन विच इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन। लेट्स सी, चले, ये एक आपके बुक का रिविज़न एक्सरसाइज है। रिपीटेड एडिशन, एक तरफ रिपीटेड एडिशन किया गया है और एक तरफ मल्टीप्लीकेशन। सो इसमें ध्यान से हम मैच करेंगे। सबसे पहले ए देखेंगे, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, थ्री थ्री टाइम्स है, तो थ्री थ्री जा हो जाएगा। तो हमने किससे मैच किया है, विथ थ्री थ्री ज़ा नाइन। ओके, विथ थ्री थ्री ज़ा नाइन। अगेन फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर, फाइव टाइम्स। सो वी विल
मैच दिस बाय 4-5 क्योंकि 4-5 टाइम्स है. ओके हमें चेक करके देखना है कि 5-4 टाइम्स भी है और 4-5 टाइम्स है. या तो हम एक तरह से आप सोच के देखिए, हमारे पास 4-4 के ग्रुप्स 5 टाइम्स हैं वो भी उतने ही नंबर आएंगे, और 5-5 के ग्रुप भी होंगे अगर 4 टाइम्स तो भी उतने ही नंबर आएंगे. ओके सो हम दूसरे दोनों तरफ से क्रॉस चेक करके देख सकते हैं. यहाँ पे 4-5 टाइम्स है तो 4×5 या 5×4 जब वैल्यू ही वही है तो हम पीछे से आगे से किसी तरह से भी देख सकते हैं. ओके इन द मल्टीप्लिकेशन सो दैट इज इक्वल्स टू 20. देन सी यू कैन सी 5+5 हियर इट इज 5+5 सो 5+5 इक्वल्स टू 2×5 टू टाइम्स 5 है. ओके 5×2 और 2×5 बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यू. डी 7+7+7+7 4 टाइम्स सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 4×7 दैट इक्वल्स टू 7×4. ओके सो इट इज ओनली द रिपीटेड एडिशन विच इज मैच टू द मल्टीप्लीकेशन. मोर अबाउट मल्टीप्लीकेशन वी हैव लर्न टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन इक्वल ग्रुप्स बाय मल्टीप्लीकेशन. क्या मतलब है इसका? अभी हमने देखा कि कैसे हम ग्रुप बनाकर हम इक्वल नंबर ऑफ जब ग्रुप बनाते हैं और उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी भी होते हैं, नंबर्स होते हैं, तब हम टेबल का यूज़ करते हैं. ओके जैसे 5+5 5+4 का हम नहीं कर सकते हैं. 5+4 के लिए हमें ऐड करना होगा. बट इन टर्म्स ऑफ इक्वल नंबर्स जब हमारे पास होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी फिर सेम होती है तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड बटन्स हैं. ओके रेड डॉट्स हैं. तो रेड डॉट्स कितने डॉट्स हैं हमारे पास? 4 एक तरफ है, फर्स्ट ग्रुप में 4 अगेन 4 देन अगेन 4 तो 3/4 हमारे पास हो गया 12. ओके आई होप आई एम क्लियर. मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? अब जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे उतने तरीके से आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए 5 ग्रुप्स ऑफ 3 के 5 ग्रुप्स हैं. सो 3 डॉट्स देन 3 3 3 3 5 टाइम्स अलग अलग ग्रुप में 3 3 के डॉट्स हैं हमारे पास. सो दैट इज़ व्हाई वी विल हैव द मल्टीप्लिकेशन 3 5s 15. अगेन ब्लू डॉट्स में हम देख रहे हैं 2 2 के पेयर हैं 8 टाइम्स. तो आपके पास इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 16. 2 8s 16. अब आप एक तरह से सोच के देखिए रिवर्स में भी यहीं पे कि 8 सोचिए आपके पास 8 टॉफीज़ होते हैं और 8 एक तरफ रखा होता और दूसरी तरफ भी 8 रखा होता. 8 and 8 सो दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 16. ठीक है हमारे क्वांटिटी में जो टोटल एडिशन जो हो रहा है हर एक डॉट का उसमें चेंज नहीं हो रहा है. वी आर गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ द डॉट्स. जब हम 8 2s 16 कर रहे हैं तब भी आ रहा है हमारे पास 16 ही आ रहा है. एंड देन 2 8s कर रहे हैं तो भी 16 आ रहा है. ओके सो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइए हम देखते हैं. सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें. मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या है? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है क्रॉस. ओके एडिशन का सिंबल होता है प्लस एंड दिस
is called multiplication. The symbol of multiplication. जब भी कभी इस तरह से लिखा होता है, जब भी एग्ज़ाम पेपर पे आपके पास ऐसे आए लिखकर, तो आप समझ जाइए कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, नॉट एडिशन. ओके, सो लेट्स सी द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड फैक्टर्स. जो नंबर्स टुगेदर मल्टीप्लाइड होते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर्स. ठीक है, अच्छे से हम देखते हैं इसको क्या मतलब है इसका. द नंबर वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. ओके, लेट्स सी. सेवन ग्रुप्स ऑफ सिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 × 6, दैट इज 42. तो 42 जो आंसर आ रहा है उसी के फैक्टर्स हैं 7 और 6. जो टू नंबर्स को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं टू गेट अ फाइनल रिजल्ट, टू गेट अ फाइनल आंसर, तो वही दोनों जो मल्टीप्लिकेंड होते हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर्स. क्या लिखा है, द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. ओके, वी विल सी दिस. ओके, इन अ वे यू कैन सी द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर आर कॉल्ड फैक्टर. जो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड होके एक फाइनल रिजल्ट को लेके आ रहे हैं वो उनको कहते हैं फैक्टर्स. द नंबर वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. अब 7 × 6 हो रहा है तो 7 और 6 जो है ये आपका फैक्टर है, और जो प्रोडक्ट है 42, ठीक है, दैट इज़ द प्रोडक्ट. जो आंसर आ रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके, टेबल को सही सही पढ़ने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. याद रखिएगा, जो आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको फैक्टर कहते हैं, एंड जो हमारा आंसर आ रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, फैक्टर एंड प्रोडक्ट, फैक्टर एंड प्रोडक्ट. ओके, 2 × 3 जा किया आपने, 6 आता है, तो 2 और 3 फैक्टर हैं. किसके? 6 के फैक्टर हैं, और 6 को हम कहते हैं प्रोडक्ट. ओके ओके, आई होप आई एम क्लियर. ओके, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग अ नंबर लाइन. तो नंबर लाइन से हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों देखा है. आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम नंबर लाइन में कैसे मल्टीप्लिकेशन को यूज़ कर सकते हैं. अ नंबर लाइन कैन बी यूज टू मल्टीप्लाई नंबर्स. लेट अस मल्टीप्लाई 3 by 4. आइए हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. एक नंबर लाइन हमने बना लिया, जनरली 0 से लेकर 20 तक बना लेते हैं. अब 1 कैसे आएगा, हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. 0 से लेकर 1 पर लेके आएंगे तो हमारा 0 से लेकर 1 तक 1 हो जाता है, 1 से लेकर 2 तक 2 हो जाता है. सो 3 को हमको 4 बाय मल्टीप्लाई करना है, तो हम या तो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे, ओके, और 4 टाइम्स लेके जाएंगे, या 4 का ग्रुप बना के 3 टाइम्स लेके जाएंगे. ओके, जस्ट अ मिनट, देखिए 3 × 4, 4 × 3, जो इस नंबर में जो ग्रुपिंग हुई है दैट इज 4 × 3, नॉट 3 × 4. देखिए ध्यान से, ट्राई टू लर्न इट. इस ग्रुपिंग में जो यूज़ हुआ है दैट इज नॉट 3 × 4, वो 3 × 4 नहीं है, वो 4 × 3 है. कैसे? बिकॉज आप देखिए, जब स्टार्टिंग हुई है इनिशियल पॉइंट से 0 से, तो हमारे पास सबसे पहले आया है 4, जंप किया गया है 1, 2, 3, 4 पर. अगेन 4 का गैप लेके हम आए हैं 8 पर. अगेन 4 का गैप लेके आए हैं हम 12 पर. हेयर, सो दिस इज़ नॉट 3 × 4. ओके, 3 × 4 कैसे होगा, आइए हम देखते हैं. आई विल मेक अगेन, सी, जब 0 से स्टार्ट करके मैं 3 पे आऊँगी, ओके, देन अगेन 3, 6,
then again 3, 9, then again 12. Okay? तो मेरा final answer क्या हो गया? 12, क्योंकि last में हमारा 12 आया. So 3 into 4 is equal to 12 and 4 into 3 also equals to 12. तो हमारे रिजल्ट में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12 और 12 दोनों तरफ आ रहे हैं. ओके, बट द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग. हमें स्ट्रक्चर पे जो नंबर लाइन पे बना रहे हैं, जो ड्राइंग हम कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना है. ओके, सो इवन दो वी राइट हियर 3 into 4, वी हैव टू राइट हियर 4 into 3. ओके, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि 3 आगे लिखें या पीछे लिखें, 4 into 3 ऑल्सो हैज़ द सेम वैल्यू एंड 3 into 4 ऑल्सो हैज़ द सेम वैल्यू, बट द डिफरेंस इज ओनली हाउ टू मेक ऑन द नंबर लाइन. तो उसको अभी हम ध्यान में रखेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लाइंग यूजिंग tables. Multiplication tables are a good way to find products of multiplication. Let us find the product of 5 into 2 and 8 into 4. To find 5 into 2, we say the table of 2 till we reach 5 times 2. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 into 2 करना है, तो 2 5 जब भी 10 हो गया हमारा, 5 2 जब भी 10 हो गया. हमें tables learn करने हैं. 2 to 15 class 3rd के लिए must है. 2 to 15 tables आप ज़रूर learn करिए. ओके, एंड सी हेयर, टू फाइंड 8 into 4, वी से दैट द टेबल ऑफ 4 टिल वी रीच 8 times 4. ठीक है, तो 8 times 4 मीन्स 8 into 4, 8 4 जा 32, और 4 8 जब भी हम करेंगे तो 32 आएगा. ओके, लेट्स सी सम प्रोडक्ट्स हेयर. हमने बताया आपको कि फैक्टर्स क्या होते हैं. ये क्या है? ये सब फैक्टर्स हैं. दीज आर द फैक्टर्स. और ये सब क्या हैं? ये सब प्रोडक्ट हैं. दीज आर द प्रोडक्ट. तो आई होप आप याद रखेंगे दोनों वर्ड्स को. ठीक है, फैक्टर एंड प्रोडक्ट. एफ एंड पी. ओके, तो 6 2 12, 8 5 40, 10 5 50, 4 6 24, 3 3 9, 4 10 40. ओके, वी कैन रीड द टेबल्स एंड वी कैन नो द आंसर्स. ओके, इन दिस वे वी आर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन बाय रीडिंग द टेबल्स. अगेन हियर 3 7 21, 7 9 या 9 7 दोनों सेम है. ओके, दैट इज 63, 8 6 48, 10 7 या 7 10 बोथ आर 70, 9 5 45, 5 9 45, 9 8 72, 8 9 72. ओके, लेट्स सी व्हाट इज वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन. लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी डन वर्टिकली. वर्टिकली का मतलब वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे. वर्टिकल मतलब स्ट्रेट. हम स्ट्रेट क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करेंगे. ओके, 5 4 20 वी कैन रीड एंड राइट डायरेक्टली, बट टू सॉल्व बिगर क्वेश्चंस वी ऑल्सो नीड टू हैव एन आइडिया हाउ वी हैव टू राइट वर्टिकली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. तो 5 के नीचे 4 लिखकर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे. जैसे हमने बताया कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, सो वी विल राइट द मल्टीप्लिकेशन साइन हेयर. ओके, इन दिस वे वी हैव टू राइट एंड वी विल राइट द आंसर. सो दिस इज करेक्ट. 6 9 54 कैन बी रिटन एज 6 into 9. इस तरह से लिखना है हमें, इन द सेम वे. ओके, एंड 6 9 इज 54.
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जैसे हमने इसके पहले कुछ चीज़ें की हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ वेरी इजी, जो मैंने अभी पहले बताया कि 3 into 4 का भी ग्रुपिंग वही हो रहा है, आंसर वही आ रहा है, और 4 into 3 का भी आंसर वही आ रहा है. तो आप यहाँ पे देखिए, पहले एक एग्जांपल है, 3 का ग्रुप 4 times है इधर, है ना, 3 3 का ग्रुप है इधर 4 times, 3 पहले में 3 दूसरे में 3 तीसरे में एंड 3 चौथे में, 3 in 1st, 3 in 2nd, 3 in 3rd एंड 3 in 4th, 4 times है. तो इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे 3 into 4. फिर अनदर ग्रुप बन रहा है उसी फैक्टर्स लेकर, 4 into 3. तो अब देखिए यहाँ पे ग्रुप्स चेंज हुए हैं, 4 के ग्रुप्स हमने यहाँ पे अब ले लिए, 4 इधर 4 इधर और 4 इधर. तो ये हो गया हमारा 4 into 3, 4 को 3 times, दैट इक्वल्स टू 12. ओके, सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट 2 into 9 equals to 92, 6 into 4 equals to 4 into 6. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जब 2 numbers को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स इधर या उधर हो सकते हैं. ओके, दैट विल ब्रिंग द सेम रिजल्ट, दैट विल ब्रिंग द सेम प्रोडक्ट. ओके, फैक्टर्स वेन दे आर सेम, यू कैन राइट इट इन द फर्स्ट और द लास्ट. ओके, मल्टीप्लीकेशन बाय 1, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ऑर्डर. ओके, व्हाट वाज दैट, ऑर्डर प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन बाय 1. क्या मतलब है मल्टीप्लीकेशन बाय 1, किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही वही नंबर वो आज आंसर होता है. ओके, कैसे होता है, सी हियर, वन मीन्स वन. वेन वी आर टेकिंग 4 pens, सपोज 4 pens है हमारे पास, तो 1 1 1 1, तो 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 4 pens हम एक साथ ले लें या 1 pen को 4 times ले लें, हमारी काउंटिंग चेंज नहीं हो रही है. सो वी आर हैविंग, हमारी क्वांटिटी जो है इंक्रीज नहीं हो रही है कहीं से. फोर भी 1 times ले रहे हैं तो भी 4 ही रह रहा है, और 1 को 4 times ले रहे हैं तो भी 4 रह रहा है. सो दैट इज़ वाई 1 multiplied बाय एनी नंबर वी हैव द रिजल्ट, द नंबर इट्सेल्फ, हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो नंबर इट्सेल्फ होता है. 4 into 1 equals to 4, कोई भी नंबर इंटू 1 is equal to द नंबर इट्सेल्फ. जैसे x ले लिया हमने नंबर, तो x into 1 equals to x, और x कोई भी नंबर हो सकता है. ओके, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे 1 हमेशा होना चाहिए, तो x जो भी यहाँ पे होगा सेम एज यहाँ पे आ जाएगा. ओके, ये x है एंड वी हेयर ऑल्सो वी विल राइट x, और वो कोई भी नंबर हो सकता है. ओके, इन दिस वे. सिमिलरली 1 plus 1 बनानाज हैं यहाँ पे हमारे पास, 5 bananas हैं, तो 5 bananas into 1 equals to 5, और 1 को 5 times हम करेंगे तो भी 5 आएगा. ओके, दिस इज इट. मल्टीप्लीकेशन बाय 0. ओके, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है. ओके, 0 means nothing, 0 means कुछ नहीं, वैल्यू ही ख़त्म कर दी गई है यहाँ. ठीक है, मैथ्स में 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है. सो दैट इज़ वाई 0 means nothing. सो व्हेन 0 is multiplied बाय एनी नंबर इट इज़ इक्वल्स टू 0. किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है. कभी कभी हमें क्वेश्चन होता है कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे 0 आएगा. ओके, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके,
तो वो ज़ीरो आता है। एडिशन में ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे एडिशन भी बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, आप लोग ही गलती कर देते हैं। ओके, लेट मी शो यू। जब हम यहाँ पे 4 को प्लस कर रहे हैं 0 से, तो प्लस में हमेशा हमारे पास 4 वैल्यू आ रही है। बट जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि 4 की यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ नहीं हो सकती है, बिकॉज़ 4 के साथ हम कुछ प्लस कर रहे हैं, और जब ये वैल्यू अलग है, इट इज़ डिफरेंट, देन वी विल हैव द इनिश दैट वैल्यू अगेन। हमारे पास वो वैल्यू आ जा रही है। जैसे हम प्लस कर रहे हैं किसी चीज़ में, हमने कोई चीज़ प्लस की, तो ये क्वांटिटी जो जितनी यहाँ पे थी, दैट विल बी ओनली हेयर। 4 + 0 = 4। बट जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम उसकी क्वांटिटी को स्प्रेड करते हैं। वी नो द टोटल क्वांटिटी ऑफ द थिंग। तो 4 की वैल्यू है, कितने टाइम्स है, कितने बार है, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है जब हम 2 प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जिससे भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, ओके, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हमारे पास, सॉरी, फैक्टर्स जो हमारे पास आते हैं, यही कोई किसी भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब 4, ओके, जब 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो वी आर हैविंग दीज टू एज फैक्टर्स। 4 भी फैक्टर है, 0 भी फैक्टर है, एक प्रोडक्ट को लेके आने के लिए 0। सो दीज टू प्रोडक्ट्स, सॉरी, दीज टू फैक्टर्स आर वैल्यूइंग 0। इनकी वैल्यू 0 आ रही है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको आपस में, तो ये दोनों एक दूसरे से क्लिंग्ड हैं, दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं एक तरह से, इसीलिए वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 आ रही है। एडिशन में ऐसा नहीं होता है। एडिशन में एक वैल्यू जब होती है, किसी चीज़ की वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब 4 यहाँ लिखा 4 + 0, दैट मीन्स 4 + 0, तो यहाँ 0 की वैल्यू अलग हो जा रही है, 4 की वैल्यू अलग जा रही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमेशा वैल्यू उसमें मिली हुई है। ओके, सो 4 × 0 जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है, वो किस पे डिपेंडेंट है? कि ये दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एक कोई प्रोडक्ट जो आता है हमारे पास, देखिए, जैसे 6 आ रहा है यहाँ, तो 2 × 3, 6 जो आ रहा है आंसर हमारे पास, 2 × 3 करने के बाद आ रहा है, या 3 × 2 करने के बाद आ रहा है। तो प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट होता है हमारे पास, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? फैक्टर्स पे। जब तक फैक्टर्स नहीं, तब तक प्रोडक्ट नहीं। ओके, तो दैट इज़ व्हाई आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल्स, तो दैट इज़ व्हाई आई स्टॉप हियर द वीडियो, एंड दिस इज़ द वॉल्यूम 1 ऑफ योर क्लास 3rd सिलेबस। सो नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी इन द 2nd वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई थैंक यू ऑल फॉर सीइंग द वीडियो। प्लीज़ सर्च आउट फॉर द 2nd वॉल्यूम ऑल्सो।